जनता सेना जीतेगी, बिल्कुल 100% जीतेगी। बंदूकों की होली के नाम से मशहूर मैनार ग्राम में इस बार भी होली पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। होली के तीसरे दिन जमरा बीच के पर्व पर मीनार गांव में जमरा बीच के मौके पर बारूद उगलती बंदूकों के बीच मनती होली का नजारा देखने दूर दूर से लोग पहुंचे। यहां बसे लोगों का कहना है कि वे बंदूकों से बारूद बरसा कर 350 साल पुरानी याद ताजा करते हैं। अपने घरों के बाहर मौजूद लोगों के हाथों में बंदूक लिए किसी युद्ध पर जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पर्व को मनाने जा रहे हैं जिसे दुश्मनी भुलाने के लिए जाना जाता है। बंदूकों में बारूद भरकर फायर चेक करते हैं। ये इन नजारों को देखकर किसी फिल्म की शूटिंग की तैयारी जैसा कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। तो ठहर जाइए, हम आपको बताए देते हैं कि ये तैयारी है होली का पर्व मनाने की। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर बसे मैनार गांव में होली के तीसरे दिन यानी जमरा बीच पर बंदूकों से बारूद बरसा कर पर्व मनाया जाता है। यहां के लोग मानते हैं कि उस दिन बरसों पहले इन गांव के लोगों ने दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर बड़ी विजय हासिल की थी, उसी की याद में यहां आज भी जश्न मनाया जाता है। मैनार गांव के बाशिंदे जमरा बीच की शाम गांव के विभिन्न रास्तों पर अलग अलग दलों में एकत्रित होकर हाथों में मशाले तलवारें और बंदूक के लिए सेना के रूप में आगे बढ़ते हैं। बंदूकों से बरसता बारूद और पटाखों की आवाज के बीच ये लोग गांव के चारभुजा मंदिर के चौराहे पर पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है युद्ध का नाटकीय नजारा। चारों ओर गरजती बंदूकें, चढ़ाई करने की मुद्रा में आगे बढ़ते लोग और आग बरसाते कान फोड़ने वाली आवाजों के साथ फूटते पटाखे। इसी तरह सजे धजे लोग और उनके हाथों में मौजूद बंदूकें देर रात तक मशालों की रोशनी में गरजती बंदूकों और तेज ध्वनि वाले पटाखों से गूंजता मैनार गांव का आसमां तब शांत होता है जब इसी गांव के जैन समाज के लोगों द्वारा रंग डालकर इस जोश को ठंडा किया जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग मशालों की रोशनी में ढोल नगाड़ों की धुन के साथ एक धार्मिक स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ इससे जुड़ी कथा का गान होता है। इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। गांव के लोग बताते हैं इस गांव से जुड़ा कोई शख्स दिवाली पर अपने घर पहुंचे या नहीं, पर जमरा बीच के दिन अपने गांव जरूर पहुंचता है। इस जश्न में शामिल होने वालों में नेताओं की मौजूदगी भी देखी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के